मैं आदरणीय किरण चौधरी जी को आज राज्यसभा के लिए जो नामांकन दाखिल किया है इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज नॉमिनेशन फाइल किया है, हमारे सभी विधायक यहां पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ अन्य विधायकों ने भी आज किरण चौधरी जी को समर्थन दिया है। हमारे जोगी राम जी सिहाग और हमारे राम निवास जी सुरजाखेड़ा, राम कुमार जी गौतम, अनूप धानक जी और हमारे नैनपाल रावत जी, हमारे इन सब विधायकों ने भी और गोपाल कांडा जी, इन सब ने किरण चौधरी जी को अपना समर्थन पत्र दिया है। नॉमिनेशन फाइल हुआ है, मैं किरण चौधरी जी को इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सभी विधायक का, पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत। आज इस प्रेस वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी आपसे संवाद करेंगे, एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। संकल्प पत्र समिति की बैठक हुई है, इसके अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं और इसी विषय पे वो आपसे बातचीत करेंगे। बैठक में क्या हुआ इसके बारे में बताएंगे। मैं आग्रह करूंगा माननीय ओमप्रकाश धनखड़ जी से कि वो अपनी बात रखें। सबको नमस्कार। बैठक में जो हुआ है वो मैं रखने वाला हूँ, साथ में कुछ विषय माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे। ऑन ग्राउंड और ऑनलाइन दोनों तरह से एक सप्ताह भर के समय में घोषणा पत्र के लिए हरियाणा भर में सुझाव एकत्रित करेंगे। इसके लिए आज एक वैन यहाँ से शुरू हो रही है इस जिले के लिए, पंचकुला जिले के लिए, ऐसे ही 22 के 22 जिलों में वैन जाएगी, हर एक ब्लॉक तक जाएगी और सभी ब्लॉक केंद्रों तक पहुंचकर सुझाव वैन के माध्यम से एकत्रित किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ उस वैन को झंडी दिखा के रवाना करें। एक सुझाव की पेटी बीजेपी के जितने भी कार्यालय हैं उन सभी कार्यालयों में भी रखी जाएगी, जितने लोग कार्यालयों में आते हैं वो वहाँ पर भी सुझाव दे सकते हैं। जो संकल्प पत्र की हमारी कमेटी है वो कमेटी हर जिले का प्रवास करेगी और उसमें ड्यूटियाँ लगाई गई हैं जिला अनुसार भी और उसमें सब्जेक्ट अनुसार भी, जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। 22 के 22 जिलों में 28 अगस्त तक वो प्रवास करके आएंगे। अगली बैठक इसकी 29 अगस्त को होगी। ऑनलाइन एक QR कोड सब जगह दफ्तरों में, बाकी जगह सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे, जिसके माध्यम से सुझाव का पेज खुलेगा तो QR कोड का प्रसार किया जाएगा, अखबारों में भी उसका प्रसार करेंगे, जो भी वो देना चाहे दे सकता है। इसी प्रकार से एक नंबर, मिस कॉल का नंबर, जिसके माध्यम से एक लिंक उसको भेजा जाएगा मिस कॉल देने के बाद और उस मैसेज के माध्यम से उसको सुझाव का पेज खुल जाएगा, तो उसके माध्यम से भी वो मिस कॉल के माध्यम से भी वो हमको सुझाव दे सकते हैं। मिस कॉल का जो नंबर रहेगा 701-59-00900। इसी तरह से जो एक इंटरेक्टिव नंबर रहेगा, जैसे हम बैंकिंग सर्विसेज के लिए बाकी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, हिंदी के लिए एक दबाएं, अंग्रेजी के लिए दो दबाएं और इसके बाद अपने सुझाव को रिकॉर्ड कर दें, तो इसके लिए भी रहेगा 701-58-00800। ये इंटरेक्टिव एक नंबर जो है वो रहेगा। इसके साथ साथ एक वेबसाइट का लिंक भी रहेगा, बीजेपी
circlepatra2024.com, तो इसके माध्यम से भी वो हमको सुझाव भेज सकते हैं। तो ऑनलाइन तरीके से भी जितने सुझाव इंटरनेट के माध्यम से आ सकते हैं वो भी सुझाव हम इसके लिए जो है रिसीव करेंगे। इसके साथ साथ है, जो इस कमेटी के बड़े प्रमुख है, सब लोग हैं, उनकी ड्यूटीज लगाई गई हैं मुद्दों के हिसाब से और जिलों के हिसाब से। मेरी कमेटी में डॉक्टर संजय शर्मा हैं, मेडिकल क्षेत्र के, चाहे वो छात्रों से जुड़े हैं, चाहे मेडिकल फैसिलिटी से जुड़े हैं, चाहे हॉस्पिटल से जुड़े हैं, उनके सुझाव एकत्रित करने की ड्यूटी दी गई है। और रोहतक और अंबाला जिले में भी जाकर वो जो है इस प्रकार की संगोष्ठी करके सुझाव लेंगे। शिक्षा क्षेत्र हमारे पूर्व उपकुल सचिव हैं दो विश्वविद्यालयों के, शिक्षा शिक्षक छात्र स्कूल और कॉलेज, उस क्षेत्र के सभी सुझाव मदन गोयल जी एकत्रित करेंगे और दो जिलों में जाकर वो संगोष्ठी भी करेंगे, कुरुक्षेत्र और हिसार। एससी वर्ग से जुड़े हुए, अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े हुए सभी जो मुद्दे हैं वो कृष्णलाल जी पवार, श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, सत्यप्रकाश जी जरावत, ये एकत्रित करके देंगे और सिरसा और झज्जर जिले में जाकर गोष्ठी भी करेंगे। युवा और खिलाड़ियों से जुड़े हुए सुझाव भव्य बिश्नोई जी, और खिलाड़ियों के मामले में किशन पवार जी भी, क्योंकि ये भी एक कमेटी के चेयरमैन है खेलों के बारे में, ये सुझाव देंगे। और भिवानी और दादरी दोनों जिलों में जाकर इस विषय पर संगोष्ठी भी करके सुझाव लेंगे। व्यापारी और उद्योगपतियों से जुड़े हुए मुद्दों पर विपुल गोयल जी ये सुझाव एकत्रित करेंगे, और फरीदाबाद और पलवल ये दो जिलों में जाकर इस विषय की संगोष्ठी भी करेंगे। पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं ये अभय सिंह यादव जी और रणवीर गंगवा जी वो एकत्रित करेंगे, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले में उस प्रकार की संगोष्ठी भी करेंगे। महिलाओं से जुड़े हुए सुझाव श्रीमती किरण चौधरी जी, सुनीता दुग्गल जी और रोजी मलिक आनंद जी ये एकत्रित करके घोषणा पत्र कमेटी को देंगी। यमुनानगर और फतेहाबाद जिले का दौरा भी करेंगे। किसानों और खेती से जुड़े हुए मुद्दों के सुझाव कैप्टन अभिमन्यु और वेदपाल जी ये घोषणा पत्र कमेटी को देंगे एकत्रित करके। जींद और कैथल जिले का दौरा भी करेंगे, संगोष्ठी करेंगे। गुड गवर्नेंस, न्यू जनरेशन के जो सुधार होते हैं वो नई पीढ़ी के, और सर्विस सेक्टर, इसके लिए कैप्टन अभिमन्यु जी और अभय सिंह जी ये जो है इनकी कमेटी बनी है, और ये पंचकुला में जो है इस विषय की एक संगोष्ठी भी करेंगे और इस विषय के सुझाव इकट्ठा करेंगे। न्यायपालिका और वकीलों से जुड़े मुद्दे वेदपाल जी एडवोकेट इनके जुम्मे लगे हैं, और ये करनाल और चंडीगढ़ इन दोनों स्थानों पर वकीलों से बाकी सब से मिलके इसके सुझाव देने वाले हैं। पशुपालकों के मुद्दे ये भूपेश्वर दयाल जी और वेदपाल जी इकट्ठे करेंगे। करनाल और सोनीपत दो जिलों में इनकी संगोष्ठियाँ भी करेंगे इस सेक्टर की। पंचायती राज के मुद्दे ये भी एडवोकेट वेदपाल जी और भूपेश्वर दयाल जी करेंगे, और इन्हीं दोनों जिलों में ये इनकी जानकारी इकट्ठी करेंगे। स्थानीय संसाधन नगर निकाय कैप्टन अभिमन्यु जी और विपुल गोयल जी ये पार्टी को इसको इकट्ठा करके देंगे कमेटी को, और इनको फरीदाबाद और रोहतक में इन विषयों पर संगोष्ठी करने की दायित्व तो सौंपा गया। जो NRI बाहर रहते हैं इनके मुद्दे विपुल गोयल जी को दिए, और जिन जिलों से ज्यादा NRI है करनाल और कुरुक्षेत्र वहां जाकर इनके मुद्दों पर वो जानकारी लेंगे। इसी प्रकार से जो बाहर से आए हुए लोग हरियाणा में काम करते हैं, पूर्वांचल से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से, वो जानकारी भूपेश्वर दयाल जी इकट्ठा करेंगे। पानीपत और फरीदाबाद जिले से उनके बीच में जाके जानकारियां इकट्ठी करेंगे। मेवात और अन्य पर्वतीय क्षेत्र मेवात के लिए विपुल गोयल जी, और मोरनी के पर्वत क्षेत्र के लिए संजय शर्मा जी के मुद्दों के लिए जाएंगे। सरकारी कर्मचारी इनके जो कोई इश्यूज हैं वो श्रीमती किरण चौधरी जी, अभय सिंह जी इकट्ठा करेंगे, चंडीगढ़ और पंचकुला में कर्मचारियों से इंटरेक्शन करेंगे। मजदूरों के जो मुद्दे हैं वो सत्यप्रकाश जरावता जी और भूपेश्वर दयाल जी फरीदाबाद, पानीपत और रेवाड़ी, इन तीन स्थानों पर जो है ये उनसे जो है वो मुद्दे लेंगे और उन पर बातचीत करेंगे। ढांचागत सुविधाएं इस पर किरण चौधरी जी वो जो है पार्टी को सुझाव देंगी। पर्यावरण के मुद्दे इसमें भव्य बिश्नोई और सुनीता दुग्गल जी, और ये इस विषय में पार्टी को सुझाव देंगे। पूर्व सैनिक कैप्टन अभिमन्यु जी इस विषय पर जो है पार्टी को वो इस विषय पर भी वो सैनिकों के साथ इंटरेक्शन करके सुझाव देंगे।
तो ऐसे सब बड़े नेताओं को अलग अलग मुद्दों के लिए ड्यूटी लगाई गई है और वो अलग अलग जिलों में जाकर एक सप्ताह भर के समय में 28 तारीख तक का समय 28 अगस्त तक का दिया गया है। 29 अगस्त को फिर इससे कमेटी की दूसरी मीटिंग होगी। जब ये सुझाव देने के लिए जाएंगे तो इस सेक्टर में काम करने वाले हमारे सभी मोर्चे और प्रकोष्ठ और विभाग जो काम करते हैं उनके माध्यम से भी इन विषयों के सुझाव एकत्रित करेंगे, जिससे बड़े से बड़े आम जनता से भी करेंगे और हमारे जो भिन्न भिन्न ऐसे अंग हैं जो पार्टी के उनके सामने भी जो इश्यूज आते हैं वो भी करेंगे। उसके साथ साथ हर जिले के ज्वलंत मुद्दों को भी ये लेकर आएंगे कि हर जिले में कौन सा मुद्दा ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी जानकारी भी जिलों में जाने वाली कमेटी लेकर आएगी। ये दायित्व आज हमने बैठक में हो चुका है और मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज एक पहली वैन जो है यहाँ से निकलने जा रही है, नंबर जो है वो एक्टिव हो गए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जो ऑनलाइन प्रचार है उसकी जारी और आगे से कुछ विज्ञापन भी अखबारों के माध्यम से देंगे, जिससे QR कोड और नंबर और वेबसाइट लिंक लोगों तक पहुँचे उसको पहुँचाने का काम करेंगे। ये आज की बैठक में हमारा निर्णय हुआ है। और यूथ को लेकर के भी कोई कमेटी बनाई है? बिल्कुल, यूथ का बता ना मैंने भव्य विश्व ये अभी 7 दिन का समय सबको दिया है क्योंकि आपको पता है चुनाव बड़ा नजदीक है, तो 29 तक ये सुझाव आ जाए, 29 को अगली बैठक होगी, फिर कुछ समय उन सुझावों को छांटने में कैटेगरी वाइज रखने में उनका वो सुझाव बजट में समा जाए और उनका एक टाइम टेबल भी बने कि कौन सी चीज को कब पूरा करेंगे। इस बार के घोषणा पत्र में हम इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी पार्टियां ऐसे घोषणा पत्र लेके आती हैं जो संसाधनों में नहीं समा सकते। जैसे पीछे हमने देखा कांग्रेस पार्टी ने खटाखट, तो अगर 80 करोड़ परिवारों को अगर फ्री अनाज जा रहा है तो 80 करोड़ लोगों को तो 16 करोड़ तो परिवार होंगे, 16 लाख करोड़ रुपया चाहिए और देश के बजट का एक तिहाई पैसा वो बनता है तो कौन दे सकता है। देश के बजट में इस बार केवल 11 लाख करोड़ रुपया जो है पूंजीगत व्यय था, ये जो विकास के काम आने वाला था, तो इतना पैसा खुला ही नहीं है। बिहार का हमने देखा कि 1 करोड़ नौकरी देंगे और बिहार के उस बजट के हिसाब से हम देखें तो कुल बजट बिहार का 3.5 लाख करोड़ है और इन 1 करोड़ लोगों की तनख्वाह जो है 2,40,000 करोड़ बन जाएगी, तो बाकी बिहार के सारे काम क्या बंद करने वाले हैं क्या। तो बहुत सारी पार्टियां संसाधनों के गैर समानुपाती घोषणाएं करती है, जो आदेश को लुटने का काम करती है, तो विश्वासी समानुपाती घोषणाएं जो हमारे पास उपलब्ध निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो घोषणा पत्र होगा वो रिसोर्सिस के समानुपाती होगा। जब घोषणा पत्र जारी करेंगे तो आपसे ये भी चर्चा करेंगे कि इस घोषणा पत्र को पूरा करने में कुछ टाइम टेबल, क्योंकि हर बात के लिए 5 साल की छुट्टी मांगे और कुछ रिसोर्सिस में कैसे ये समान है उसकी भी आपके सामने चर्चा करेंगे तब आपके सामने संसाधनों में कैसे पूरा हो सकता है, सरकार के उपलब्ध संसाधनों में इसकी चर्चा उस समय की जाए। तो आपका पिछला मैनिफेस्टो था और ये जो इसमें और उस मैनिफेस्टो में ये अंतर होगा कि इस मैनिफेस्टो में ज्यादा पर्टिकुलर होकर हम जाएंगे, उसमें ज्यादा पर्टिकुलर होंगे, चीजों को ज्यादा कंक्रीट रूप से सामने रखने का काम करेंगे कि क्या क्या किस किस तरह से किया जा सकता है जर्नल घोषणाओं की तुलना, तो ज्यादा पर्टिकुलर ये जो है घोषणा पत्र होगा। और 29 को हमारे को वो भी मिल जाए कि सुझाव कितने हजार की संख्या में आए हैं
और कमेटी अपना काम करके अपनी रिपोर्ट लेकर आ जाए, उधर रिपोर्ट को कलेक्शन का, डाटा कलेक्शन का, सुविधा कलेक्शन का दिन होगा और उसके बाद उस समय हमको लगेगा सबको एनालाइज करने में और फिर तीसरी बैठक करके हम उसको फाइनल। बाकी जिलों में सर सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक अभी मैं संभावित तिथि कह सकता हूँ, एक दो दिन आगे पीछे हो सकती है, हम कोशिश करेंगे सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक में करना। नगर जी है बाकी जिलों में कभी बैठक होती है, ये वो मुख्यमंत्री जी का विषय है, उसमें एक सदस्य मात्र के धन्यवाद सभी का। अभी हमारे संकल्प पत्र के प्रमुख आदमी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने आज हमारी ये संकल्प पत्र की पहली बैठक हुई है, इसमें पूरी रचना योजना बनी है। आज हम यहाँ से संकल्प पत्र वैन को झंडी देकर भी रवाना करने वाले हैं। जैसा अभी बताया गया है कि वैन जनता के बीच में जाएगा, जनता के सुझाव हमें करते हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप जो पिछले संकल्प बातें आई थी उन सब बातों को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अब 2024 के विधानसभा के चुनाव का आगाज हुआ है और इस आगाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी कर उसको लेकर के आज इसको वैन को हरी झंडी दिखा करके लोगों के बीच में हर ब्लॉक स्तर पर भेजेगी और ये वैन 26 तारीख तक लोगों के बीच में सुझाव लेने के लिए अलग अलग स्थान में पहुंचा जाएगी। हर 22 के 22 जिलों में ये वैन चलेगी। आज पंचकूला से हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं आप सबकी उपस्थिति में और हमारी जो कमेटी बनी है 15 लोगों की हमारी संकल्प पत्र की कमेटी है। वो कमेटी के जितने हमारे माननीय सदस्य हैं सब माननीय सदस्य अलग अलग जिलों के अंदर जाकर एक पर्टिकुलर उनको विषय दिया है कि लोगों को एकत्र करके उनसे चर्चा करना, उनसे सुझाव लेना, ये हमारी इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य है। उनके ज्यादा से ज्यादा सुझाव है हम और सरकार हमारी क्या लोगों के हित में कदम उठा सके, कहां लोगों को कोई दिक्कत परेशानी है उसका समाधान कैसे हो, वो भी सुझाव जब लोगों के तरफ से हमारे पास आएंगे तो हम उसको अपने संकल्प पत्र में समाहित कर पाएंगे। और हमारी जो 10 साल के पिछले कार्य हैं जो हमने किए उनको भी हम वहाँ पर चर्चा करेंगे कि हमने ये भी काम किया है, ये काम किए हैं। मुझे खुशी है बताते हुए क्योंकि हमारा जो संकल्प पत्र है हम उसको दृढ़ता से पूरा करते हैं और समय से पूरा करते हैं। पिछला जो हमारा संकल्प पत्र 2019 का उसमें 265 हमारे हमने संकल्प किया था, हमारे विषय थे, लगभग हमने उनको पूरा किया सभी जो हमारे संकल्प पत्र में थे। और क्योंकि विपक्ष की घोषणाएं होती है उनका घोषणा पत्र होता है, वो खाली घोषणा करते हैं, घोषणा हो जाती है और वो पूरा नहीं होता, परंतु हमारा संकल्प पत्र हमने कहा है कि हम दृढ़ता से उसको पूरा करने का काम करेंगे। जो भी लोगों के सुझाव पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से आएंगे हम उन सब सुझावों को हमारी जो 29 तारीख को ये दोबारा बैठक होने वाली है कमेटी की उन सब की स्क्रीनिंग भी करेंगे, स्क्रूटनी भी करेंगे और उन सब विषयों को देख करके इस संकल्प पत्र को समाप्त करेंगे जिससे कि आने वाले इस 5 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश को
और गति से हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें, उसको लेकर के हमने ये ट्रेन चलाई है। इसके नंबर भी आप लोगों के बीच में अभी जारी किए हैं आदरणीय धनखड़ जी ने, अलग अलग दो नंबर हैं, मिस कॉल को भी दे सकते हैं, हमारे कार्यालय में भी पेट्री होगी, उस पेट्री के अंदर भी लोग सुझाव दे सकते हैं। और ये हमारी वैन ब्लॉक स्तर के ऊपर जब जाएगी तो वहां पर भी हम उसके अंदर सुझाव दे सकते हैं। हमारे जो कमेटी के मेम्बरान हैं जिनके अलग अलग विषयों के ऊपर ड्यूटी लगी है, वो भी लोगों के बीच में जाकर के उनको एकत्र करके उनके सुझाव लेंगे और उनको बीच में शामिल करने का काम करेंगे। ये हमारा जो अभियान है ये लगभग एक सप्ताह तक चलने वाला है, और सप्ताह के बाद क्योंकि चुनाव के बीच में है, फिर हम अपने संकल्प पत्र को और आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। हम जहाँ अपने इस कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त है, क्योंकि हमने पीछे भी हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो भी संकल्प लिए हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार ने उन संकल्पों को पूरा करने का काम किया है। हमने जो किया है हम उसको बताने का भी काम करते हैं। कभी भी जिस प्रकार की घोषणाएं विपक्ष की तरफ से होती है और विपक्ष झूठ का सहारा लेता है, वो घोषणाएं तो कर देता है, घोषणाएं इसलिए कर देता है कि लोगों को सजा बन दिखाने के लिए, एक रोज वोट देने के लिए। अभी जिसकी चर्चा आदरणीय धनखड़ जी ने की है कि वो उनकी घोषणा है खटाखट 8,500 रुपया लगाएंगे। हमारा संकल्प है, हमने ये भी निर्णय किया है कि फटाफट जो हम कहें उसको हम पूरा करें, जनता के बीच में पूरा करें। उस संकल्प के साथ हम ये अपना संकल्प पत्र लोगों के सुझाव लेकर के उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। और पिछले 10 वर्षों में जो हमारी सरकार ने नॉन स्टॉप हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है, और अगर हम पूर्ववर्ती सरकारों के राज में देखें, उनके राज के अंदर केवल भ्रष्टाचार नजर आता है, दबंगों का राज होता हुआ दिखाई देता है, और एक ही क्षेत्र का क्षेत्रवाद दिखाई देता है कि एक ही क्षेत्र का विकास हो रहा है और पूरा का पूरा प्रदेश उससे मजबूत दिखाई देता है कि वहां का विकास दिखाई नहीं देता। लोग बोलते रहते हैं क्योंकि उनका घोषणा पत्र है, वो घोषणा पत्र में घोषणा करते हैं, घोषणा करके वो घोषणा ही रह जाता है, आपने देखा भी है। परंतु हम संकल्प पत्र के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर के हमारी सरकार इस संकल्प पत्र को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम वो करेगी। अगर हम देखें हरियाणा के अंदर, हरियाणा जो विकासशील प्रदेश में सोनिया गांधी के आंखों का तारा राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा के का सितारा दीपेंद्र हुड्डा आपके सामने है, ये तारा और सितारा की जोड़ी है, दोनों की जोड़ी आप तो देख रहे हैं, ये तारा और सितारा की जोड़ी है कि सरकार चल सकती है। इन्होंने हरियाणा वासियों से कोई सरोकार नहीं, ये क्योंकि कांग्रेस ऊपर स्तर के ऊपर राहुल गांधी को सेट करने में लगी हुई है, और हरियाणा की कांग्रेस सरकार भूपेंद्र हुड्डा के बेटे को सेट करने में लगी, कोई मतलब नहीं है हरियाणा प्रदेश की जनता से। ये तो इन दोनों के सोनिया गांधी का तारा और भूपेंद्र हुड्डा का सतारा, ये तारा सतारा के सरकार चलाने वाले लोग हैं। इस बात को भी हमें समझना चाहिए कि इनकी सोच क्या है और किस तरीके से ये प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। परंतु हम अपने संकल्प पत्र के द्वारा लोगों तक सुविधाएं पहुंचे, लोगों को लाभ पहुंचे,
लोगों को समस्याओं से निजात मिले। अगर हम पिछले शासन के दौरान देखें, क्योंकि कांग्रेस की घोषणा ये थी कि 24 घंटे बिजली देंगे, आप लोगों ने भी उसको प्रमुखता से उठाया, क्योंकि आप किसान ने उन्होंने बोला कि बिजली दे दी तब की गई, परंतु 24 घंटे बिजली उपलब्ध हरियाणा प्रदेश के लोगों को नहीं हो पाई और लोग वो वैसा ही जीवन व्यतीत करते रहे, क्योंकि घोषणा थी परंतु हमारा संकल्प था, हमने अपने संकल्प को दृढ़ता से पूरा किया और हरियाणा प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया। आज हमें इस बात का भी गर्व है कि हरियाणा प्रदेश के हर जिले को हमने अपने उस संकल्प को दोहराते हुए हर जिला को 4-लेनिंग रोड से जोड़ने का काम किया है, लोगों के जीवन को सर्वसुलभ करने का काम। हम ये भी देखते हैं, जब मैं तारा सितारा की बात कर रहा हूं, कि वो लोग जब वो घोषणा करते थे तो लोग एक गैस का सिलेंडर देने के लिए 4-4 दिन तक लाइन में खड़े रहते थे, परंतु हमारा संकल्प था, हमारा ये संकल्प था कि हमने इस लाइन को खत्म करना है और माता को बहन को कोई दिक्कत ना आए उसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाने। तब भी हम ये जो हमारा संकल्प पत्र है जो आज हम यहाँ से झंडी लेकर के इसकी रवाना कर रहे हैं, हम लोगों के जनता के सुझाव में अपील भी लोगों से करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे सुझाव और जिस प्रकार का भी जैसा लोग बहुत प्रमुख जन हरियाणा प्रदेश के अंदर से युक्ति बैठा है, सभी से मेरा आग्रह है कि अगर आपके अच्छे सुझाव हमारे तक इस वैन के माध्यम से जो हमारी संकल्प पेटी हर जगह पर जाएगी, उस संकल्प पेटी के अंदर वो सुझाव अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे तो हम हरियाणा प्रदेश को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश के अंदर और मजबूती से और सशक्त होकर के उसको आगे बढ़ाने का काम हम मजबूती से करेंगे, ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत जहाँ हो उसका समाधान कर सके। मैं हरियाणा प्रदेश के जागरूक प्रबुद्ध जनों से निवेदन करूंगा कि वो अपने सुझाव इस हमारे एक सप्ताह जो ये संकल्प पत्र वैन जो घूमने वाली है जहाँ जहाँ भी आपको लगे आप अपना और उसके अंदर जो हमने एक मिस कॉल नंबर भी दिया है, ये मिस कॉल नंबर है कि जो वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे भी वो अपना मिस कॉल के माध्यम से सुझाव दे सकता है, जो आपकी चर्चा की है कि 701-590-0900 इसके ऊपर मिस कॉल करेंगे तो इसका लिंक आएगा तो जो भी सुझाव उसके अंदर वो देना चाहे वो उसके अंदर लिखित रूप में दे सकते हैं। इससे अलग भी हमारे और भी कई ऐसे मंच है जिसके ऊपर अपने सुझाव दे सकता है, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने सुझाव दे सकता है, नमो ऐप के माध्यम से भी वो अपने सुझाव भेज सकता है, उसको भी हम एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। मिस कॉल का तो है ये और जो भी सुझाव उनके आएंगे उन सबको हम इस अपने संकल्प पत्र में समाहित कर सके और उनके अनुसार हम ये संकल्प पत्र बने कि हरियाणा और विकास की ऊंचाइयों को छुए, उसके लिए हमारा संकल्प है कि हम हर व्यक्ति की हरियाणा वासियों की हर वो जो समस्या है उस समस्या का समाधान हम इस संकल्प पत्र के माध्यम से निकाल सके और जब उनके सुझाव आएंगे हम उन सुझावों को भी चरणबद्ध तरीके से भी उसको हम बाइफरकेट करने का काम करेंगे कि हम इतने कामों को इतने दिन में करेंगे, इतने कामों को इतने दिन में करेंगे, उसका सारा बात ऐसा एक सिस्टम बनेगा कि नहीं तो इस प्रकार के भी लोग आते हैं भूल जाते हैं,
वोट लेकर के जो अंतर हो जाते हैं कहाँ चले गए कहाँ नहीं चले गए, इस प्रकार की स्थिति भी रहती है। परंतु जैसा अभी बताया भी गया है कि बजट के अनुरूप मैं मेरी चादर तो है जेल सुपर प्रसाद ने की और मैं प्रसाद ही गुजरात को दिक्कत है कहेंगे, पब्लिक को भी दिक्कत आ जाएगी, व्यक्ति को भी दिक्कत आ जाएगी, सबको दिक्कत आ जाएगी। तो हमारा ये है कि हरियाणा प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाते हुए हम लोगों के सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं, चाहे वो खेल का है, चाहे एजुकेशन का है, चाहे किसान का है, चाहे महिला का है, चाहे गरीब का है और चाहे युवा का है, हर क्षेत्र के अंदर हम सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं। युवाओं से भी अपील है कि वो भी अपने सुझाव दें, क्योंकि हमारी सरकार ने जो हमारा संकल्प था बिना पर्ची बिना खर्ची के, आज गरीब परिवार के बच्चे को भी आज हरियाणा सरकार की नौकरी करने का काम किया है और इसके लिए हमने और भी सुझाव उनके मंत्री को हम क्या क्या कर सकते हैं, चाहे हम उनको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसके माध्यम से खड़ा करने के बाद चाहे स्टार्टअप है चाहे स्टैंडअप है, ऐसे युवाओं को भी ज़्यादा उनके पैरों पर खड़े पीछे काम किया है। युवाओं से भी अपील है क्योंकि हमारे जो जनरेशन है वो युवा है और युवाओं से मैं अपील करूँगा कि वो आगे आकर के अपने बहुमूल्य सुझाव दें ताकि हम उनको काम कर सकें। आयोग से मांगने के लिए कोई पत्र चाहिए नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है। उसके बाद 17 अगस्त की आपकी कैबिनेट थी उसमें आपने फैसले किए दो आपको जो चीफ मिनिस्टर है और चीफ चुनाव पास भेजने की इसकी आवश्यकता नहीं, पत्र जारी हो ऑर्डिनेंस जारी हो गया था उस एक एक कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी होने बात हमने उन 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित किया है, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं डर कह रहा हूँ ये किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। जब हमने कोई फैसला कर दिया कांग्रेस के समय के अंदर तो फैसला इस प्रकार से होता था, आपके सामने मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके समय के अंदर अंतिम चरण में सिर्फ एक लाइन लिख दी जाती थी कि हमने कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया, पर इतना लिख देते थे, कोर्ट में घूम रहे आज से घूम रहे। आपको मालूम है जो उन्होंने पक्के करने की घोषणा की थी वो घोषणा करते हैं, उन्होंने जो घोषणा की थी आज तक मुक्त रहे, एक भी 1,20,000 हमने सुरक्षित किए हैं, एक भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं जाएगा, हमें चाहे विधानसभा के अंदर उसको ला करके उसका किसी कर्मचारी को दिक्कत आएगी आगे हमारे से बात करेगा ना, मैं बात सुन रहा हूँ। Thank you.
हिंदू को लेकर के कब तक फैसला होगा? दूसरा कि चुनाव लड़ने को लेकर के संशय है कि आप करनाल छोड़कर के कोई और विधानसभा चुनेंगे, उसे स्पष्ट करते हैं आपके पास कहाँ से जानकारी? चर्चा कर लीजिए सर कि आप कहीं लाड़वा से या कहीं दूसरी विधानसभा से कहा आप ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा, ये मैं तय नहीं करूंगा। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करता है कि कहाँ से किसने चुनाव लड़ना है, ये व्यक्ति तय नहीं करता हमारे यहाँ। कांग्रेस के अंदर तो व्यक्ति को सीटें देते हैं, वो तय करता है ये लड़ेगा ये लड़ेगा। और वहां पर घमासान में एक मंच पर नहीं बैठ सकते। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा कि हुड्डा वाली सीट पर सैलजा ने तार दे, सैलजा वाली सीट को डर तार दे, यहां तक हालत खराब है कांग्रेस की। तो कहां एक बात मैं कह रहा हूँ दीवान साहब, हरियाणा प्रदेश की जनता ने ये पूर्ण मन बना लिया है 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा बहुत ज्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही। अच्छा मैडम, आप भी कांग्रेस में या कुछ यहाँ की जो तस्वीर है भाजपा की काम करने की कांग्रेस की बिल्कुल अलग है। आवाज नहीं आ रही भाई। एक सर दूसरा सवाल इसमें है कि राजनीति जो महत्वाकांक्षाएं हैं जैसे जो कांग्रेस से राहुल गांधी आए हैं कुलदीप बिश्नोई आए, कहीं ना कहीं बीचों की छत्रा आती रही है और अभी रणजीत सिंह जी का मामला आया तो उसमें क्या कहेंगे? देखिए हमारे नेता आदरणीय किरण चौधरी जी, मैं बता देता हूँ आप मेरे से पूछ नहीं आपकी क्या उठे की चलो आगे कहीं देखिए हमारी सभी सीनियर लीडरशिप है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। चौधरी रणजीत सिंह जी हमारी सरकार में अभी भी मंत्री लगा है, अभी भी जब तक 4 तारीख को रिजल्ट नहीं आता तब तक वो मंत्री है और कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हमने कहा है कि पार्टी हमारे यहाँ तय करती है किसने क्या करना है, उसकी भूमिका तय होती है और जब किसी की भूमिका तय हो जाती है तो उसको उस स्वर मानने मान करके आगे बढ़ता है। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी हमारे चुनाव संचालन समिति के माननीय अध्यक्ष रहे आपके सामने हैं और वो इस चुनाव की पूरी जवाबदार है उसको देख रहे हैं। किरण चौधरी जी क्योंकि कांग्रेस के अंदर इतना ज्यादा महाराष्ट्र में करते हैं और करते भी इसलिए हैं, बताते हुए मुझे क्योंकि किरण चौधरी जी आज हमारी माननीय राज्यसभा का पर्चा दाखिल किया है। मेरी जानकारी में है कि अभी तक तो कोई नहीं आया मैदान में और जब नहीं आया तो टाइम खत्म हो गया, ओवर हो गया था,